इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अलंकार का दूसरा भाग लेकर आए हैं। दोस्तों, अर्थालंकार, अर्थालंकार को जानने से पहले हमको आपको ये बताना है कि उपमान क्या है, उपमान क्या है, उपमेय क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। क्या है? साधारण धर्म। उपमान क्या है, उपमेय क्या है, वाचक क्या है और साधारण धर्म क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रसिद्ध चीज है, जो प्रसिद्ध चीज है अर्थात जिससे तुलना की जाए, क्या है, जिससे जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, वही क्या है, उपमान है। यह वही क्या है, उपमान है। हम ये कह सकते हैं प्रसिद्ध वस्तु, प्रसिद्ध वस्तु या प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई भी चीज जो प्रसिद्ध हो वही क्या है, उपमान है। वही क्या है दोस्तों, उपमान है। तो उपमेय क्या है दोस्तों, ठीक है, उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, क्या, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या है, उपमेय है। जिसकी तुलना की जाएगी वह क्या है, उपमेय है। ठीक, तो अर्थात यह है साधारण, यह क्या हो जाएगा, साधारण। तो दोस्तों साधारण की ही तो तुलना होगी प्रसिद्ध से, इसकी साधारण की तुलना किससे होगी, प्रसिद्ध से होगी। ठीक, तो हमने कहा उपमान क्या, अर्थात जिससे तुलना की जाए, ठीक है, उपमेय का जिसकी तुलना की जाए, तो वाचक क्या और साधारण धर्म। वाचक क्या है, वाचक क्या है, उपमेय और उपमान के का जो है, जिस शब्द के कारण समानता दिखाई दे, उपमेय और उपमान के जिस शब्द के कारण, जिस शब्द के कारण जो समानता बताई जा रही है, तुलना बताई जा रही है, वही क्या है दोस्तों, वही क्या है, वाचक है। जिस शब्द के कारण तुलना हो रही है वही क्या है, वाचक शब्द है। और साधारण धर्म क्या है, साधारण धर्म क्या है, जिस क्रिया और गुण के कारण समानता दिखाई देती है, जिस क्रिया और गुण के कारण समानता दिखाई देती है वही क्या है, वही क्या है दोस्तों, साधारण धर्म है। वही क्या है, साधारण धर्म है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उपमान की, उपमेय की, वाचक की और साधारण धर्म की। ठीक है, वाचक शब्द क्या है, जिसके जिस शब्द के कारण तुलना हो रही है वही क्या है, वाचक है। और साधारण धर्म क्या है, जिस गुण और क्रिया के द्वारा समानता दिखाई जाती है वही क्या है, साधारण धर्म है। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की, तो यहां अर्थों का खेल है। किसका खेल है, अर्थों का खेल है। शब्दालंकार में किसका खेल था, शब्दों का खेल था। शब्दालंकार में किसका खेल था, शब्दालंकार में शब्दों का खेल था, अर्थालंकार में अर्थ का खेल है। अब बात हम करते हैं अर्थालंकार के भेद। अब हम चर्चा करते हैं अर्थालंकार के भेद की। किसकी चर्चा करते हैं, अब हम चर्चा करते हैं अर्थालंकार के भेद की। तो अर्थालंकार के पहला हो गया उपमा, जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी की चर्चा करेंगे। पहला क्या हो गया, उपमा। दूसरा है दोस्तों रूपक अलंकार। दूसरा कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ठीक, तीसरा अलंकार है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति। क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, चार ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अनियोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और मानवीकरण अलंकार। कौन कौन सा अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। एक आता है भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार आता है, भ्रांतिमान अलंकार। फिर आता है मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार आता है, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार।
आपको दोस्तों जो पढ़ना है वो उपमा पढ़ लेना है, रूपक पढ़ लेना, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, इसी से सर्वाधिक प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब बात करते हैं कि उपमा अलंकार क्या है। उपमा अलंकार में क्या है दोस्तों, जहां किसी वस्तु की गुण धर्म के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए, या फिर ये कह लें हम कि किसी साधारण वस्तु की गुण धर्म के कारण किसी श्रेष्ठ या प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए, तो वही क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। वही कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो उपमा अलंकार का एक उदाहरण हमने आपके पास लिखा हुआ है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसला ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, ठीक है, सागर से तुलना कर दी गई है किसी व्यक्ति के, किसके, गंभीर हृदय की। किससे तुलना की गई, सागर से तुलना की गई है। फिर कह रहा है गिरिसा हो जिसका मन, क्या है, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन, अर्थात गिर का मतलब हो गया पर्वत, पर्वत की तरह ऊंचा हो जिसका क्या, या फिर बड़ा हो क्या जिसका मन, क्या है, जिसका मन पर्वत की तरह क्या हो, बड़ा हो। तो ये तो था आपका उपमा अलंकार का उदाहरण, उपमा अलंकार का सा सी से सम सरिस, ठीक है, जहां भी आएगा सा सी से सम सरिस, ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा, सा सी से सम सरिस। जैसे एक उदाहरण है, पीपर पात सरिस मंडोला, क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला। तो एक बात बताइए, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, अर्थात पीपर पे के पत्ते की तरह क्या हो गया, पीपल के पत्ते की तरह दोस्तों मन क्या हो है, डोल गया। पीपल के पत्ते से, पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है, उसी की तरह, उसी तरह मन भी है, मन भी क्या हमेशा विचरण करता रहता है। तो मन की तुलना किससे की गई, पीपल के पत्ते से, पीपल के पत्ते से। तो कहा गया पीपर पास सरिस मंडोला, ठीक है, तो सासी से सम सरिस, सासी से सम सरिस अगर कहा गया तो इसका मतलब जहां भी सासी से सम सरिस आएगा वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। अब हम कहें दोस्तों उपमा अलंकार, ठीक है, कल हम बात करेंगे रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा हम करेंगे, और इसके बाद हम एक नए चैप्टर का प्रारंभ करेंगे दोस्तों जिसका नाम है छंद। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।